अयोध्या से एक संसदीय केस मामला सामने आया है, जहां सुबह दौड़ लगाने निकले युवक का अपहरण किया गया। मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने युवक का अपहरण कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने मामला दर्ज कराया, जिसके बाद से मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम भी जुटी हुई है। अयोध्या से ये संसदीय केस मामला सामने आया है, युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया है। तो बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण किया। अब जांच पड़ताल में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है, लेकिन अभी भी आपको बता दें, पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं इस पूरे मामले को लेकर। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज भी करवा दिया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी भी हुई है, लेकिन युवक का दिन दहाड़े जिस तरीके से अपहरण किया गया, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार एक तरफ आप मुस्तैदी का दावा करते हैं कि हमारी पुलिस पूरी तरीके से यूपी में मुस्तैद है, लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दिन दहाड़े अपहरण की घटना सामने आई है। थाना हैदरगंज में गांव है कटौना, जहां पर आज एक अपहरण की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जो प्रार्थी हैं शेर बहादुर वर्मा, उनका आरोप है कि उन्हीं के गांव के 5 लड़के जो उनके पड़ोसी भी हैं उसी और उनके द्वारा उनके लड़के का, जिसका नाम आशीष है, उम्र 20 वर्ष के आसपास है, उसका अपहरण कर लिया गया है। इसमें तत्काल FIR पंजीकृत करते हुए 3 टीमें, एक हैदरगंज, बीकापुर और स्वाट की, ये लगा दी गई हैं और हम लोग पूरी गंभीरता से इसकी घटना के अनावरण के लिए और बरामदगी के लिए प्रयास कर रहे हैं।